और आज भी कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करकर हम लोग के बीच मतभेद पैदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, जहां एक तरफ आपसे एक लंबे और मजबूत संघर्ष के लिए तैयार रहने का आग्रह कर रहा हूं, वहीं ये आग्रह भी करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखें कि भाई भाई के खिलाफ नहीं, हम सबको एकजुट होने और एकजुट रहने की जरूरत है। जब जब हम लोग बढ़ेंगे तब तब ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। आज जो छात्रावास खाली करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, क्यों? हम लोग के बीच में मतभेद पैदा करके भाई को भाई से लड़वा कर, और यही की रणनीति हमेशा से रही। हम लोग तो ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो हम सब के नेता है, जिनसे हम सब अनुयायी है, उनकी बातों को हम लोग को याद रखा। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि शिक्षित संगठित हो और संघर्ष हो। हम लोग को पहले शिक्षित होने की जरूरत है, मौजूदा परिपेक्ष में भी शिक्षा हासिल करने की जरूरत है कि भैया क्यों समाज की सेना, कि छात्रावास को ही क्यों खाली करवाया जा रहा है। सैनिटाइजेशन जो कुछ घंटों का काम है, उसके लिए पूरा नए सिरे से उसको अलाउ करने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम बातों की जानकारी लीजिए, क्यों भैया तू खाली नहीं करेगा, इतना बड़ा तुगलक की फरमान कि आपका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द कर दिया जाएगा भैया, इतना बड़ा क्या किया हम लोग कर रहे हैं। इन तमाम बातों की जानकारी हासिल कीजिए, शिक्षित होइए अपने अधिकारों को लेकर और संगठित होइए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति नाम दिया, जिस आज इन्होंने दलित महादलित विभिन्न प्रकार के नामों में या आप लोगों को बांटते फिर रहे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अनुसूचित जाति उन जातियों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एकजुट किया था, ऐसी जातियों को स्केड्यूल किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको स्केड्यूल कास्ट कहा गया, जो की कहीं ना कहीं छुआछूत का शिकार है। भैया जिस तरीके से ये नाजायज एक फैसला सामने आया है, जहां पर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास को ही खाली करने का आदेश दिया गया है सैनिटाइजेशन के नाम पर, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया महज कुछ घंटे की होती है, आप उसको आराम से आप उसको कर सकते हैं छात्रों को थोड़ी देर के लिए बाहर करके, पर उसके लिए पूरे हॉस्टल को खाली कराना ये कहाँ तक जायज़? और उसके बाद फरमान में आपने लिखा है कि जो खाली नहीं करेगा उसका प्रमाण पत्र आप रद्द कर देंगे, ये किस तरीके का ये कानून है, ये किस तरीके की बात की जा रही है? कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि पूरी तरीके से दलित विरोधी हैं, वो टारगेट कर रहे हैं कि कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे रहकर ढंग से पढ़ लिख ना जाए, तो जितने विघ्न उत्पन्न किए जा सके वो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि भैया जल्द से जल्द इसको रद्द किया जाए, और सैनिटाइज सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को ही क्यों,
और किसी जगह को सैनिटाइज करने के नाम पर क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है। तो ये दलित विरोधी मानसिकता दिखती है मुख्यमंत्री की, और शर्म आनी चाहिए उन मंत्रियों को, उन विधायकों को, उन सांसदों को, उन केंद्रीय मंत्रियों को जो आज सरकार का हिस्सा हैं। और जब आज अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जब आज सड़क पर हैं तो वो लोग खामोश बैठे हुए हैं सरकार का हिस्सा होते हुए भी।